लुधियाना दियां सड़कां ते चलना हुण खतरे तो खाली नहीं रहा। जी हाँ, इसकी एक ताजा मिसाल सिविल लाइन दीपनगर इलाके तो सामने आई है, जिथे एक्टिवा ते स्कूल जा रहे दो बच्चे सड़क ते पए एक डूंगे खड्डे च डिग गए। इस तो बाद बच्चों नूं पौड़ी लगा के बाहर कढ़िया गया। इसकी एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है, जिस ते देखा जा सकता है कि जिवें ही सड़क तो एक बस गुजरती है तो सड़क धसन कारण डूंगा खड्डा पै जांदा। इस तो बाद एक्टिवा ते आ रहे स्कूली बच्चे इस खड्डे च डिगदे हुए नजर आ रहे ने। इस मौके इलाका वासियों ने कहा कि यह हादसा अज सवेरे वापरिया। उन्हें दसिया कि इस सड़क तो पहला एक बस लंघी, जिसके कारण सड़क धस गई। एक्टिवा ते आ रहे स्कूली बच्चे खड्डे च डिग गए। उन्हें कहा कि बच्चों के सट्टा लगिया ने, जिन्होंने हस्पताल च भर्ती करवाया गया है। देखो बहुत हेल्प की उस वे लोग भी आए थापर साहब भी आए अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। उस वे वन कॉल आ गए सारा हेल्प की बच्चों भेजन च भी बाकी इतने मेनटेन कर पहला भी एक बार होया थापर साहब ने बहुत हेल्प की। जे दूजी बार होया है सेकंड टाइम होया जी, पहला भी इतने होया फॉर्चूनर गिरी से हाँ सेकंड टाइम। मेरा विक्की जी सर कितने रहने मैं इधर ही हूँ नवकार नगर की वाकई हुआ जी जो बच्चे सवेरे जा रहे स्कूल जा रहे थे बस निकली है उस तो बाद जमीन एकदम धस गई पौने का अठ बजे टाइम कुछ नहीं तो बच्चे हॉस्पिटल लेके गए देखते हैं फ्रैक्चर फ्रक्चर तो नहीं तो जा रहे कि धस गई एकदम ही धसी है पता ही नहीं लगे कोई जारी नुकसान तो नहीं नुकसान तो बाद चाहे हम तो बाद पता लगे तो इन्होंने बच्चे कटे बाहर कुछ नहीं इस वे तो आप बच्चों का पता देखते पे स्कूटर नहीं करते पेने 15 मिनट पहुंच गए तो सारे पहुंच गए इतने उन्होंने सारा सब नहीं करते पे। इस घटना की जानकारी मिलने मगरों मौके पर नगर निगम के अफसर और मेयर भी पहुंचे। उन्होंने कहना सी कि सीवरेज के पानी की पाइप लीक होने कारण मिट्टी रिस गई, जिस कारण सड़क खोखली हो गई है। फिलहाल इलाके च पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है और सड़क की मुरम्मत करवाई जा रही है। दस दें कि कुछ साल पहला भी इस इलाके च सड़क से बहुत बड़ा खड्डा पै गया सी, हुण उस तो थोड़ी दूर ही सड़क धस गई है। लुधियाना तो लखविंदर सिंह पंजाबी लोक चैनल।